रेडी प्रेम कपूर के साथ शुरू होती है जब वह अपने बचपन की दोस्त खुशी को राजू के साथ भागने में मदद करता है इसके बाद खुशी से शादी करने आया दूल्हा उन्हें बताता है कि उसकी भी एक प्रेमिका है किरण जिससे वह शादी करना चाहता है उन्हें भागने में सहायता करने के कारण खुशी के पिता श्री पाठक प्रेम का परिवार प्रेम से नाराज हो जाता है हालांकि प्रेम अपने परिवार के सदस्यों को शांत कर लेता है प्रेम का परिवार उसका विवाह पूजा से कराने का निश्चय करता है प्रेम को हवाई अड्डे पर पूजा को लेने के लिए भेजा जाता है हालांकि वह उससे मिलने से बचने के लिए जानबूझकर गलत टर्मिनल में चला जाता है संजना नाम की एक युवती जो अपनी शादी से भाग रही होती है प्रेम को पूजा को छोड़कर चले जाने के बारे में अपने चाचा को बताते हुए सुन लेती है क्योंकि प्रेम के परिवार से किसी ने भी पूजा को कभी नहीं देखा है इसलिए संजना प्रेम की मंगेतर होने का दिखावा करती है पूजा के रूप में संजना प्रेम के घर उसके परिवार के साथ रहने के लिए चली जाती है और धीरे धीरे पूरे परिवार का दिल जीत लेती है सिवाय प्रेम के जो उससे परेशान हो जाता है इस बीच संजना के दोनों मामा अमर चौधरी और सूरज चौधरी जो एक दूसरे के विरोधी हैं, हर जगह उसकी खोज शुरू करते हैं दोनों ही मामा चाहते हैं कि संजना उनके भतीजों के साथ विवाह कर ले जिससे वे संजना की दौलत के वारिस बन सके संजना और प्रेम एक दिन मिस्टर लहरी की कार में लिफ्ट लेते हैं और तभी सूरज चौधरी के गुंडे उन पर आक्रमण कर देते हैं प्रेम उन सभी गुंडों से निपटता है और इसी लड़ाई में प्रेम के एक वार से सूरज का बेटा आर्यन कोमा में चला जाता है संजना के प्रेमी की तलाश में सूरज चौधरी सुदेश लहरी को अपने पास रख लेता है तब तक प्रेम को संजना की असली पहचान के बारे में पता चल जाता है और वह उसे अपने दोनों मामाओं के बारे में बताती है जो किसी भी हाल में उसकी शादी अपने अपने भतीजों से करवाने पर तुले हैं प्रेम और संजना प्यार में पड़ जाते हैं और शादी करने का फैसला करते हैं हालांकि संजना का मामा सूरज चौधरी उसे ढूंढ लेता है और अपने साथ ले जाता है प्रेम के परिवार वालों को वो संजना की असली पहचान के बारे में पता चलता है और वे अभी भी उसे प्रेम की पत्नी के रूप में चाहते हैं। प्रेम संजना को उसके मामा के पास जाने को कहता है और भरोसा दिलाता है कि वह जल्दी ही उससे शादी करने का रास्ता ढूंढ निकालेगा और अपने पूरे परिवार के साथ उससे मिलने आएगा प्रेम बलिदान भारद्वाज का भतीजा बनने का नाटक करता है जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है और संजना के मामाओं के यहाँ काम करता है प्रेम धीरे धीरे सूरज और अमर चौधरी को यकीन दिलाता है कि उन्हें अपने भतीजों की संजना से शादी नहीं करनी चाहिए इसके बजाय वह अमेरिका के अरब पतियों भाइयों के के मोदी और बी के मोदी की बेटियों के शादी का प्रस्ताव रखता है हालांकि चौधरी को यह पता नहीं है कि के के और बीके मोदी वास्तव में प्रेम के पिता और चाचा हैं। संजना के परिवार को यकीन दिलाने के लिए प्रेम अपने परिवार के बाकी सभी सदस्यों को किसी न किसी रूप में चौधरी के घर ले आता है वह धीरे धीरे चौधरी परिवार के नकारात्मक दृष्टिकोण को बदलने का भी प्रयास करता है लेकिन शादी के दिन आर्यन कोमा से बाहर आ जाता है और प्रेम की सच्चाई सबको बता देता है इसके बाद वहां एक लड़ाई छिड़ जाती है जिसमें संजना के चाचा और उनके सभी गुंडों पर प्रेम अकेला भारी पड़ता है वह तब अमर और सूरज को संजना की मां की इच्छा के बारे में बताते हुए कहता है कि उसने उन दोनों भाइयों को एकजुट करने के लिए संजना की शादी करने की जिम्मेदारी उन्हें दी थी चौधरी अपनी गलती का एहसास करते हैं और अपने व्यवहार के लिए क्षमा याचना करते हैं। अंत में प्रेम और संजना शादी कर लेते हैं और उनकी शादी की तस्वीर कपूर और चौधरी परिवार के सभी लोगों के साथ ली जाती है अंत में एक स्पिन ऑफ भविष्य में अगली कड़ी के लिए रखा गया है जिसमें चौधरी परिवार का तीसरा भाई लौट आता है